दोस्तों, दूसरे T20 मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 हुई घोषित। इन 11 धाकड़ खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड का दूसरा T20 मुकाबला आज कितने बजे से खेला जाएगा। टाइमिंग में बड़ा बदलाव हो चुका है, साथ ही में दूसरे T20 मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, कौन सी 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि दूसरा T20 मैच भारतीय टीम जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गुवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही है, जहां टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। जी हां दोस्तों, इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत हासिल की। अब टीम इंडिया सीरीज के दूसरे मुकाबले में जीत हासिल करके इस मौजूदा T20 सीरीज पर अपना कब्जा जमा सकती है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला T20 मैच रात 10:30 से शुरू हुआ था, लेकिन दूसरा T20 मैच अन्य समय पर शुरू होगा, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। वहीं इसके अलावा दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम में कई दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री होना लगभग तय है। वहीं दोस्तों, दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। जहां दोस्तों पहले बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, तो दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी में खेलते हुए नजर आ सकती है। जहां पहले T20 मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी में दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन अब इस स्थान पर एक दिग्गज बल्लेबाज की एंट्री होना लगभग तय है। इसके अलावा लगातार फ्लॉप हो रहे अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और अक्षर के स्थान पर एक तूफानी ऑलराउंडर को मौका मिलेगा। वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी प्लेइंग 11 से बाहर किया जाएगा और इनकी जगह एक भारतीय टीम के एक अनुभवी गेंदबाज की एंट्री होने जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े बदलाव के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 9 जून यानी कि आज शनिवार के दिन खेला जाने वाला है। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे T20 मैच का समय आपको जरूर राहत देगा, क्योंकि पिछला T20 मैच रात 10:30 से शुरू हुआ था, लेकिन अभी सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार 7:00 से होने वाली है। इस मैच का लाइव प्रसारण टेलीविजन पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा और मोबाइल पर सोनी लिव एप्लीकेशन के जरिए से देख सकते हो। वहीं दोस्तों, आपके हिसाब से क्या दूसरा T20 मैच भारतीय टीम जीत पाएगी, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं भारतीय टीम के खतरनाक प्लेइंग 11 के, तो नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा का स्थान तो लगभग तय है। इस सीरीज के पिछले T20 मैच में रोहित शर्मा के द्वारा काफी लंबे समय के बाद कुछ खास प्रदर्शन देखने को मिला था। रोहित शर्मा के बल्ले से 24 रनों की एक छोटी सी आक्रामक पारी देखने को मिली थी, तो उम्मीद करते हैं कि दूसरे T20 मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करे। उसके अलावा नंबर 2 पर एक बार फिर से ईशान किशन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पिछले T20 मैच में ईशान किशन मात्र 8 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से ईशान किशन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, तो ऐसे में उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। नंबर 3 पर दीपक हुड्डा के स्थान पर बड़ा बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, पिछले मैच में दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी तो शानदार रही थी, जहां उन्होंने 33 रनों का योगदान दिया था, लेकिन इस सीरीज के बाकी बचे 2 मुकाबलों में दीपक हुड्डा को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका नहीं मिला है, तो ऐसे में अब दूसरे T20 मैच में विराट कोहली की एंट्री होना लगभग तय है। उसके अलावा नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव अपना जलवा बिखेर सकते हैं। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ने बेहद ही तूफानी बल्लेबाजी का नजरा पेश किया था। सूर्य कुमार यादव ने 19 गेंदों पर 39 रनों की एक छोटी सी पारी खेली थी। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 2 छक्के और 4 चौके देखने को मिले थे। एक बार फिर से इनसे ऐसी ही बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक को भारतीय टीम में प्लेइंग 11 में बरकरार रखा जा सकता है। हालांकि दूसरे T20 मैच में ऋषभ पंत की वापसी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों ही खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को मौका मिल सकता है, तो ऐसे में दिनेश कार्तिक को मौका देकर परखा जा सकता है। नंबर 6 पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मैच में जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से तहलका मचाया, उसे देखकर हार्दिक पांड्या के फैंस काफी खुश होंगे। जी हां दोस्तों, पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा 51 रनों की पारी खेली। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी के साथ 4 विकेट हासिल किए। नंबर 7 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 से बाहर किया जाएगा। अक्षर को भारतीय टीम में लगातार मौके मिल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अक्षर
हर्षवर्धन पटेल काफी खराब प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गेंदबाजी में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। इसमें इनके स्थान पर दूसरे T20 मैच में रविंद्र जडेजा को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा नंबर 8 पर स्पिनर गेंदबाज के तौर पर युजवेंद्र चहल एक बार फिर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मैच में चहल ने 4 ओवर में 32 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे। शानदार गेंदबाजी की थी। अब एक बार फिर से इनकी फिरकी गेंदबाजी का जलवा देखने को मिलेगा। इसके अलावा नंबर 9 पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस सीरीज के पिछले मैच में भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी लाजवाब रही थी। भुवनेश्वर कुमार ने बेहद ही किफायती गेंदबाजी का नजारा पेश किया था। भुवी ने 3 ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया था। नंबर 10 पर तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को प्लेइंग 11 में बरकरार रखा जा सकता है। हर्षल पटेल भी पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय टीम की तरफ से T20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पिछले T20 मैच में हर्षल पटेल ने 3 ओवर में 24 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया था। इसके अलावा नंबर 11 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के स्थान पर बड़ा बदलाव होगा। अर्शदीप सिंह को भी इस सीरीज के बाकी बचे 2 मुकाबलों के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में इनके स्थान पर दूसरे T20 मैच में जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से भारत की प्लेइंग 11 होगी। इसमें आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या दूसरा T20 मैच जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।